हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो, द सेकंड पार्ट ऑफ पेपर वन। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 to 10, उससे मैं कंपेयर करूं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। एक आधा क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट भी हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करूं तो मुझे पेपर डिफिकल्ट नहीं लगा। इस पेपर को मैं फिर भी मॉडरेट की ही कैटेगरी में डालूंगा, और अगर मैं पिछले साल वाले पेपर से कंपेयर करूं तो ये उसके हिसाब से काफी आसान है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जैसा मैंने पार्ट वन में भी कहा, एंड बाय द वे आपने पार्ट वन नहीं देखा तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप पार्ट वन को जरूर देखें ताकि आपको एक कंटिन्यूटी फील हो, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें डिटेल्ड एनालिसिस की है, और साथ ही हमने उसमें जो इंटरेस्टिंग कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, अगर वो मुझे बीच में कुछ दिमाग में आ रही थी तो मैं वो भी साथ साथ में बताता गया हूं। और बहुत जगह हम लोगों ने कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया है एज कंपेयर टू इंटरनेट पर जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट? सो प्लीज वॉच ऑल द सॉल्यूशंस, साथ ही साथ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एंड जिन लोगों ने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाह रहा हूँ, एंड आई नो सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर रहे होंगे। अगर अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है। मैं आगे के वीडियोस में सबसे बात करूंगा कि अगर आपका एडवांस आपके हिसाब से नहीं गया तो आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग क्लियरली अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो आज उसमें सोचने का दिन नहीं है। अगर आप चाहो तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो अपना आंसर फिलहाल मैच ना करें, एक ही बार देख लेंगे रिजल्ट में क्या आ रहा है, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग मैच करना चाह रहे हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी है, वो आंसर को मैच कर सकते हैं, और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो यहां से कुछ सीखना चाहते हैं, उनका भी इस वीडियो में बहुत वेलकम है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स से, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहां पर हमने एक सिलेंडर पर फोर्स लगाया एफ, तो हमेशा हम क्या करते हैं प्योर रोलिंग के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट हम अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं, दैट इज ईजियर। तो F इंटू ये टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, वो हो जाएगा सेंटर के अबाउट एनर्जिया प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और हम अल्फा को a बाय आर भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो यहां पर अगर मैं a बाय आर इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा F इंटू आर इज इक्वल टू आई प्लस mr स्क्वायर इंटू a बाय आर। ए की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है? यहां पे चेक करोगे तो ये बोला गया कि ए डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द स्फीयर इज सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। सॉलिड या हॉलो सिलेंडर होने पे आई की वैल्यू चेंज होती है ना, ये आंसर आई पे डिपेंड कर रहा है, तो सॉलिड के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाय टू, हॉलो के लिए एम आर स्क्वायर, तो उस केस में एक्सेलरेशन तो अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन ए यहां पे गलत बोल रहा है, ये सही नहीं होगा, ठीक है? फॉर सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2μg, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको हमें पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा दैट यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, दैट फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, मतलब म्यू एम जी के बराबर है, और यहां पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है? तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या लिखोगे सिस्टम का, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है? सो ये आ जाएगी एफ की वैल्यू, और कौन से सिलेंडर की बात हो रही है, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है? अब सेंटर के अबाउट तुम टॉर्क भी ले सकते हो, या तो इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर चलो मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लेता हूं, ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो हो जाएगी म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू सॉलिड है ना, सो एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, राइट? और अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए ए बाय आर, तो यहां से ए निकाल लो ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2μg, 2μg है ना, बिल्कुल सही, a की वैल्यू आ जाएगी 2μg, हो गया काम।
मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2μg है, वो तो हमें मिल रहा है ना, क्योंकि इसके बाद अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग तो मुझे करानी नहीं है ना, तो यहां पर ऑप्शन बी सही है. द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज μmg. नहीं भाई, यहां पर फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपने मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं रहता, तो ये फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा. राइट, यहां से तुम निकाल भी सकते हो, इसको लिख सकते हो F माइनस F डिवाइडेड बाय M, और F निकालना वो कैपिटल F पे डिपेंड करेगा. तो यहां पर ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर A की वैल्यू होगी F बाय 2m. थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, थिन वॉल्ड सिलेंडर के लिए I की वैल्यू होती है ना mr स्क्वायर, तो I को अगर mr स्क्वायर यहां पे पुट करोगे तो A की वैल्यू क्या F बाय 2m आती है, चेक करके देख लो, भरोसा ना हो रहा हो तो बिल्कुल आएगी F बाय 2m. तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. समझ आया, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लाइट रे ना यहां पर N1 में एंटर कर रही है, मतलब N1 और N2 के इंटरफेस पे जा रही है एंगल थीटा बना के, एंड थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1. अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां पर देखोगे कि सर्फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं. याद आ रहा है कुछ पैरेलल सर्फेसेस के लिए क्या फंडा होता है, इसको मैं लेंथी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, बट अगर थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो तुरंत से यह सॉल्व हो जाएगा. यहां पे n sin थीटा की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट फॉर पैरेलल सर्फेसेस. राइट, और मैं तुम्हें एक चीज यहीं से दिखा दूं कि अगर मैंने इधर ये लाइट रे क्या होगा, यहां पे इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, डजंट मैटर. मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि ये ऐसे चली गई, ठीक है, और यहां पर ये ऐसे आर एंगल बनाकर बाहर निकल गई. तो सिंपल सी बात है कि N1 साइन थीटा जो होगा ना वो होना चाहिए, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 into sin r के बराबर. तो साइन r की जो वैल्यू है ना वो N1 साइन थीटा है. राइट, साइन r की वैल्यू है N1 साइन थीटा. तो यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा ग्रेटर देन 1/N1, मतलब N1 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी. तो साइन थीटा अगर N1 साइन r अगर N1 साइन थीटा आ रहा है तो ये 1 से बड़ा होगा. That means R will not exist. यहां पे N2 का कोई रोल नहीं है. राइट, मतलब लाइट रे एयर में एंटर करेगी ही नहीं. ये N2 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, पुट करके देख सकते हो, पैरेलल स्लैब्स में बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है ना उससे फर्क नहीं पड़ता. राइट, तो यहां पर लाइट रे एंटर एयर गलत है. लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक. हाँ, मैंने देखा रिफ्लेक्टेड बैक है, सही है, बहुत बढ़िया. रिफ्लेक्टेड बैक मैं कुछ पढ़ूंगा भी नहीं आगे, रिफ्लेक्टेड बैक सही है. द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, बहुत बढ़िया, सही है, मिला लेना, यही 3 आंसर होंगे. यहां पे मुझे रिफ्लेक्टेड बैक से मतलब है, मैंने कीवर्ड पकड़ लिया और मैं फटाक से 15 सेकंड के अंदर ये आंसर को, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कीज पकड़ने होते हैं. मैंने सीधा देख लिया कि भाई ये तो एयर में जा ही नहीं रहा है, जब n sin थीटा कांस्टेंट है ऐसे केसेस के लिए, तो मैंने चेक कर लिया एयर के लिए, अगर एयर में अगर जाएगा तो वहां भी n sin थीटा वही होना चाहिए जो यहां पर आ रहा है प्रोडक्ट, और वहां का प्रोडक्ट जो है वो sin r में 1 से बड़ा दे रहा है, तो r पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. तो बी सी डी यहां पर सही आंसर है. मजा आया, बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल का मास 0.2 kg है, इट इज इनिशियली एट -L, -H. L की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, और H की वैल्यू 1. राइट, तो ये यहां पर होगा -10, -1 पर, बढ़िया, और इसका मास है 0.2 kg, जिसको हम लोग बाद में यूज करेंगे. और मैंने देखा कि यहां पर एक्सेलरेशन है 10 m/s². एक्सेलरेशन अगर 10 m/s² है तो पार्टिकल यहां पर राइट की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. तो पहला क्वेश्चन है पार्टिकल L, -H, मतलब पार्टिकल 10, -1 यहां पर कब पहुंचेगा. बहुत सिंपल है, 20 m का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 10, तो क्या मैं ये नहीं लग सकता हूं
20 इज इक्वल टू हाफ, u तो जीरो था ना, नहीं था भाई, ut जीरो हो गया, सो इट इज हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ गई जीरो सॉरी रूट फोर मतलब टू, दो सेकेंड, तो ये बिल्कुल सच बोल रहा है, t की वैल्यू आ गई दो सेकेंड, ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। टॉर्क निकाल लो भाई, टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन 10 है, मास इज 0.2 kg, कितना फोर्स लग रहा होगा ये बता दो, फोर्स की वैल्यू होगी 0.2 इंटू 10, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। टॉर्क चाहिए कहां के अबाउट, टॉर्क चाहिए हमें ऑरिजिन के अबाउट, क्योंकि सारी चीजें हमें विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकालनी है, तो देख लो ना ये पार्टिकल कहीं पर भी हो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो हो जाएगी ये वाली लाइन, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा जो कि 1 meter है, समझ आ रहा है। तो यहां पर अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड पहले चेक करो, फोर्स 2 newton बढ़िया, और ये 1, तो ये अगर क्रॉस भी करना चाहो तो ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो या चलो उतना करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूं भाई, ये तो आ रहा है 2 newton meter। अब लेकिन ये के कैप है या नहीं है वो हमें चेक करना है, नहीं तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है ना, यहां पे मान लो देयर इज एन इमेजिनरी रॉड, क्या ये इमेजिनरी रॉड क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं राइट हैंड रूल से चेक कर सकता हूं टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड घुमाओ, थंब का डायरेक्शन ऊपर, तो टॉर्क के कैप में ही रहेगा, तो ये आंसर मुझे सही दिख रहा है, समझ आ रही है बात, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पार्टिकल, अच्छा ऑप्शन टी गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि टॉर्क बोल रहा है के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू 0.h, अरे भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर जगह सेम है ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 1 रहेगा, तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर कॉन्स्टेंट होगी, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, इसको तो मैं रूल आउट कर दूंगा। और अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो एल इज 4 kcap व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू l, -h, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो 20 है ना, सो दिस आंसर इज 20 meters per second। तो यहां पर मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 ही है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है लीनियर मोमेंटम जो कि इतना होगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 1 है, तो ये आंसर होना चाहिए 4 kg m² per second, ठीक है। लेकिन के कैप में होगा या माइनस के कैप में होगा वो देखना है, सिंपल सी बात है, हमेशा ये करो कि सोचो कि ये रॉड अगर ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस तो इधर आ जाएगा, मतलब यहां पे रोटेशन किस तरह का हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, हाथ को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो थंब हमारे तरफ आ रहा है, इट शुड बी आउट ऑफ द प्लेन, सो सी इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो ये रोटेशनल डायनेमिक्स से क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसे मॉडरेट में ही पुट करूंगा, डिफिकल्ट में पुट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिंपल टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था कि हमें ये चीजें लिखनी आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है, तो ये नंबर भी आने चाहिए थे, बढ़िया। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से, विच इज फ्रॉम एटॉमिक फिजिक्स। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पहले हम लोग हाइड्रोजन के क्यों ना एनर्जी लेवल्स को लिख लें, नहीं तो यहां पर हाइड्रोजन में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो ये n इक्वल टू 1 होता है, तो n इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकेंड वाले की होती है -13.6/2², फिर होती है -13.6/3², ऐसे चलता है ना, बढ़िया। तो बोला है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हुआ, ये आ रही है इंफिनिटी से मतलब सबसे एनर्जेटिक फोटोन, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन, मतलब इन दोनों ट्रांजिशन की यहां पर बात हो रही है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं, hc/λ लॉन्गेस्ट, ये तो हो जाएगा इंफिनिटी पे कितनी एनर्जी, 0, तो ये हो जाती है 0 माइनस
13.6 by 2 square, right? तो यहां से तुम्हें lambda longest की value मिल जाएगी. Lambda longest की value कितनी आती है? ये value आती है hc, मतलब इसको ऐसे लिख देते 4hc divided by 13.6. ठीक है, मैंने SI unit में convert नहीं किया है, तो ऐसा तो मैं लिख सकता हूं 1 by, मतलब फिर hc by lambda shortest. इसकी value कितनी हो जाएगी? Shortest lambda जो होगा that is going to be 13.6 into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. बढ़िया. तो यहां से हम लोग lambda shortest की ये value कितनी हो जाएगी? 1 by 4 minus 1 by 9. So 5 by 36 यहां पर मुझे आता हुआ दिख रहा है. तो lambda shortest की value जो होगी ना, वो हो जाएगी 36 hc divided by 5 into 13.6 into 5 into 13.6, ये रहेगा lambda shortest की value. Longest is तो shortest का ratio ले लो ना. When you take the ratio of longest is to shortest, ये answer तुम्हें 9 by 5 मिलेगा, right? तो यहीं से दिख रही है. So this is going to be the answer. तो यहां पर ऑप्शन ए मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है. देयर इज एन ओवरलैप. अरे ये क्या पूछ दिया उन्होंने. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखोगे ना, तो यहां पे सीरीज ही इसलिए बनती है क्योंकि कोई भी ओवरलैप नहीं होता. मतलब यहां पे लाइमन सीरीज का तुम्हें बैंड एक जगह दिखेगा, फिर बाल्मर का बैंड दिखेगा, फिर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्रे, ये गैप्स थोड़े बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन there is no overlap between any two series. अब बोलोगे सर मैं क्यों मान लूं आपकी बात? बिल्कुल सही है, ऐसे बात तो माननी नहीं है. तो इसका तरीका होता है, तुम क्या करो ना, इसके सबसे ये जो लाइमन है ना, मतलब यहां पे वेवलेंथ इस तरफ बढ़ रहा है, लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है, लैम्डा यहां पे इंक्रीज कर रही है. तो ये इसका लाइमन सीरीज का सबसे बड़ा वेवलेंथ और बाल्मर सीरीज का सबसे छोटा वेवलेंथ, ये निकाल के चेक कर लो ना, ये ज्यादा छोटा रहेगा. सिमिलरली यहां पे बोला है वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर, लाइमन एंड बाल्मर तो ओवरलैप नहीं ही करेंगे, राइट? इसको एनर्जी के डिफरेंस से भी देख सकते हो. लाइमन का सबसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो होगा वो कहां से कहां आएगा? 2 से 1 पे आएगा. ये डिफरेंस आ रहा है 10.4 का. और बाल्मर भाई पूरा दम लगा ले, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन वो 3.4 का ही रहेगा. तो लाइमन का सबसे कम एनर्जी का फोटॉन जो है ना, वो बाल्मर के सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन से भी ज्यादा एनर्जेटिक है. ओवरलैप तो होना ही नहीं है, तो ओवरलैप वाले केसेस गए, ये भी गया. ये बोल रहा है डू नॉट ओवरलैप, चलो मान लेते हैं. द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाई दिस, लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? होता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर. शॉर्टेस्ट के लिए मैं करूंगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है भाई? तो मुझे लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल रही है इक्वल टू 1/r, सही है? सो लैम्डा नॉट यू गेटिंग एज 1/r. सो बाकी सीरीज, मतलब अगर मैं यहां पे 1/λ निकालना चाहूं तो ये हो जानी चाहिए थी r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस the wavelength of Lyman series is given with this, where lambda naught is the shortest wavelength and m is an integer. m यहाँ पर integer है, वो हमें check करना पड़ेगा. So मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये minus 1/n square होता है, right? So अब यहाँ पे r को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/λ naught. इसको लिख दो यहाँ पर 1/λ naught. तो अगर यहाँ से हम लोग 1/λ naught निकालने की कोशिश करें या लैम्डा निकालने की कोशिश करें, तो देखो कितनी आसानी से आ जाएगा. पहले तो 1/λ निकाल लें, ये हो गया 1/λ नॉट इनटू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, बढ़िया है. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा नॉट, और इसको भी कर दो ना फ्लिप, ये हो गया n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इंटू न्यूमरेटर को लिख दोगे n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1.
तो इसको मैं फॉर्मेट में डाल रहा हूं कि क्या ये उस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 1+1/n²-1, राइट। और क्वेश्चन ने n²-1 को बोला है m², ठीक है। अब देखते हैं ये सही है या नहीं है। अगर मैंने यहां पर n को इंटीजर पुट कर दिया, चेक करके देखो, अगर तुमने n को यहां पे कुछ भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर दिया, तो क्या m इंटीजर आ रहा है? m यहां पर इंटीजर नहीं आ रहा है, m doesn't belong to integer, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इस फॉर्म में आना चाहिए वेयर m इज एन इंटीजर, जो कि बिल्कुल गलत है, ये यहां पर सही नहीं है। तो ये भी मुझे गलत दिख रहा है। तो यहां पर जो सही आंसर हमें दिख रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, राइट। वैसे इसको लॉजिकली भी हम कर सकते थे, अगर हमें पता होता कि ये वाला गैप ज्यादा होता है, ये उससे कम होता है, ये उससे कम होता है, तो यहां पर वो वाला लॉजिक हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। या हमें पता होता कि सीरीज ओवरलैप करती नहीं है, अगर तुमने डायग्राम देखा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो सीधा तुम इसे बिना ज्यादा परेशानी के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में कहीं रख देते हैं, राइट। लेकिन हो जाता अगर सभी लोगों ने इस चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देयर इज अ वायर, इनफाइनाइट वायर दैट कैरीज करंट आई, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर्स, और यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो शायद दिख नहीं रहा होगा, और यहां पर एक रजिस्टर है, ठीक है। ये हमने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है और हमने इसे मूव करा दिया है वेलोसिटी वी से। प्रिंटिंग थोड़ी खराब है, ओके। तो हमें अब इस कर्व्ड वायर में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। देखो, अगर हमने यहां पर ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। देन दिस बिकम्स एन आरसी सर्किट, ई है ये, सी है ये, आर है। अगर तुमने ई की वैल्यू निकाल ली ना, तो यहां से मैक्सिमम करंट का फ्लो करेगा जब कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, E by R, और कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना रहेगा जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, वो वैल्यू रहेगी C। तो अब मुझे सिर्फ E निकालने की जरूरत है, मैंने E निकाल लिया तो काम हो गया। बस यहां पर परेशानी ये है कि ये जो शेप है ना, ये एक सेमी सर्कुलर शेप है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर अगर एक सेमी सर्कुलर शेप माना और मैंने यहां पर एक सीधी लाइन मानी, इस डी शेप स्ट्रक्चर को मैं अगर आगे भी मूव करा दूं, इसमें कोई फ्लक्स चेंज तो आना नहीं है, बिकॉज ये अभी वायर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो मैं कह सकता हूं जितना ईएमएफ इस पार्ट में इंड्यूस होगा, जितना ईएमएफ इस पार्ट में इंड्यूस होगा, उतना ही इस फ्लैट वाले लाइन में भी इंड्यूस होगा, क्योंकि नेट ईएमएफ यहां पर इंड्यूस्ड इस पूरे डी टाइप के लूप में जीरो होना है। तो अगर ये फंडा तुमने यूज कर लिया ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, राइट। तुमने यहां पर मान लो कि यहां पर डी के बदले ये एक सीधी सी लाइन है, राइट। यहां पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, मतलब डिस्टेंस एक्स पे मैं ले रहा हूं, सो डी ई की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी वहां पर बी, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2πx इंटू डीएक्स, ये वाला लेंथ, इंटू वेलोसिटी। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां तक, 1 सेंटीमीटर से, मतलब इस वाले एंड से दूसरी वाले एंड तक, मतलब 4 सेंटीमीटर तक, तो ये वैल्यू फाइनली जो होती है ना, ये होती है म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2π ln 4, ठीक है। म्यू नॉट बाय 2π, म्यू नॉट बाय 2π तो हम देख रहे हैं, दिस 2 × 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी 3 है, और लॉन 4 को 2 ln 2 लिख सकते हैं, सो 2 × ln 2 है 0.7, ठीक है। तो ये फाइनली कैलकुलेट करके आ रही है 1.68 × 10⁻⁶ वोल्ट, मतलब आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1.68 डिवाइडेड बाय 1.4 कर दें × 10⁻⁶ एम्पियर होगा, और ये रेशियो चेक कर लो, ये 1.2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन सी की बात करें तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ये 1.68 × 10⁻⁶, ये तो ईएमएफ हो गया, इंटू 5 μF, तो 5 × 10⁻⁶ एक आना चाहिए, सो देयर शुड बी 10⁻¹२, और 1.68 × 5 करेंगे ना, तो 8.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पे सही नहीं है, यहां पर सही है ऑप्शन सी।
तो इस क्वेश्चन में फंडा क्या था? फंडा ये था कि यहां पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, फिर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर, राइट? ओके, इसको हम लोग रखते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलिंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज शोन इन द फिगर. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे एक्सेलरेशन ए से स्लाइड कर रहा है. ऑलराइट, तो इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग देखें कि एक पार्टिकल पर क्या नेट फोर्सेस लग रही हैं. अगर मैं इस पार्टिकल पर चेक करूं तो इस पार्टिकल पर क्या होगा, इसका मास अगर डीएम है तो इस पर डीएम इंटू जी नीचे लग रहा होगा, और सिंस ये वेसल एक्सेलरेटेड है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा, राइट? सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन? डीएमजी का कौन सा कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा, डीएमजी इंटू 1/√2, राइट? तो अलोंग द इंक्लाइन क्या मैं कह सकता हूं, जो अलोंग द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट होगा, जैसे इस तरफ हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस तरफ बोलते हैं वाई एक्सिस, सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू डीएम जी बाय रूट टू माइनस डीएम इंटू ए डिवाइडेड बाई डीएम. तो ये एक्सेलरेशन यहां पे आ रहा है जी बाय रूट टू माइनस ए, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन अलोंग द इनक्लाइन. ठीक है, तो प्रेशर वेरिएशन अगर तुम्हें लिखना है ना P1 माइनस P2, तो ये वैल्यू होनी चाहिए. मैं इसे हटाता हूं थोड़ी देर के लिए. P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी डेंसिटी इंटू हॉरिजॉन्टल, मतलब इंक्लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया जी बाय रूट टू माइनस ए, और इंटू ये वाला डिस्टेंस विच विल बी रूट टू डी, दिस विल बी रूट टू डी. तो बीटा की जो वैल्यू है ना वो है P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी डी. तो यहां पर अगर मैं इसको रो जी डी से डिवाइड करूंगा तो क्या ये वैल्यू चेक करके देख लेना, ये 1 माइनस रूट टू ए बाय जी आती है, 1 माइनस रूट टू ए बाय जी ये वैल्यू आती है. और अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू को पुट करके देखते जाना है. अगर मैं ए को जी बाय रूट टू पुट करूं तो चेक कर लो, अगर ए यहां पे जी बाय रूट टू हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0. ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन बी, ए को जी बाय रूट टू करेंगे तो बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए सही हो चुका है. अगर मैं ए को जी बाय टू पुट करूं, ए को जी बाय टू पुट करूंगा तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ये जी बाय टू किया तो 1 बाय रूट टू, मतलब इसी को मैं लिख सकता हूं रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू. तो सी और डी में मुझे सी सही लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. हमें सिर्फ प्रेशर डिफरेंस को यहां पर सही से लगाना था, एंड दैट इज सफिशियंट. ऑलराइट, इसको मैं रखूंगा भाई मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट में ही रखो बेटर रहेगा. नेक्स्ट बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. मैग्नेटिक फील्ड में हमने अल्फा पार्टिकल को और सिंगली चार्ज सल्फर आयन, मतलब सल्फर को हमने प्लस कर दिया एस प्लस, उन दोनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा और सेम पोटेंशियल से हमने उसको एक्सेलरेट कराया. तो रेडियस की वैल्यू जो होती है ना वो होती है एमवी बाई बी क्यू, और ये अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी एम बाई बी क्यू भी होती है. और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लिखूंगा ना तो रेडियस यहां पर प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू आता है. ठीक है, तो मुझे अगर रेडियस ऑफ सल्फर बाय रेडियस ऑफ अल्फा करना है तो ये हो जाएगा मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑन सल्फर. तो मास ऑफ सल्फर तो हमें दिखा है ना 32, अल्फा का मास 4, अल्फा पे चार्ज कितना होता है 2 यूनिट्स और सल्फर पे चार्ज है 1 यूनिट, तो ये जोड़ जाड़ के आंसर आ रहा है 4. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आराम से ये क्वेश्चन होना चाहिए था. इसको मैं इजी की कैटेगरी से ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग लगाने नहीं है इसमें. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी रोटेशनल डायनेमिक्स का एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन मैं कहूंगा. यहां पर एक रॉड है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है
विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. चलो सिग्मा को मतलब ओम टाइप का सिंबल है, उसको ओमेगा ही कहते हैं. ठीक है, सो यहां पर रॉड की एंगुलर मोमेंटम जो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है, इसीलिए ध्यान से देखना. और दोनों का डायरेक्शन वर्टे मतलब ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो किसी में यहां पे हमें वेक्टर को एंगल वैंगल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐड कर सकते हैं. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड की वैल्यू देखोगे, हाथ घुमा के चेक कर लो ना राइट हैंड से, शुड बी अप. सो दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा. ठीक है, और ये रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अगर हम लिखेंगे, तो डिस्क के यहां पे दो मोशन है. एक मोशन है डिस्क के खुद के एक्सिस के अबाउट, विच इज इक्वल टू एम इंटू ए बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा इंटू 4 ओमेगा, बिकॉज द एंगुलर वेलोसिटी इज 4 ओमेगा. लेकिन साथ साथ जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो इस केस में हमें डिस्क को मानना है एक पॉइंट मास, और सेंटर यहां से कितनी दूरी पे होगा, 3a/4. तो मुझे इसको लिख देना है 3a/4 का स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू ओमेगा. और यहां पे अगर मैं एम ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लूं, तो बाकी जो बचे वो नीचे आ गया 48, और फर्स्ट वाले टर्म में 1/3 है तो 16 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाले में नीचे 8 दिख रहा है तो यहां पे 6 आ जाएगा, थर्ड वाले में 9 ऊपर था तो 27. सो न्यूमरेटर यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट दैट इज 49 और नीचे 48 एम ए स्क्वायर ओमेगा. तो यहां पर n की वैल्यू हमसे पूछी गई ना, सो n की वैल्यू यहां पर आ रही है 49. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. इसको भी मैं अब कहां रखूं, तुम ही लोग बताओ यार, मुझे तो मॉडरेट टाइप का लग रहा है. बस एक गलती लोग कर सकते थे यहां पे कि डिस्क में ये वाला ऐड करना लोग भूल सकते हैं, जो नहीं भूलना चाहिए क्योंकि डिस्क का सेंटर भी यहां पर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, राइट. तो अगर हमें ओ के अबाउट चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो हमें सेंटर का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा. डिस्क के सेंटर के अबाउट पूछा होता फिर उस टर्म को लेने की जरूरत नहीं थी, राइट. तो ये चीज का हमें यहां पर ध्यान रखना है. एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैड एंजॉयड दिस डिस्कशन. तो आखिरी क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यहां पर एक स्फीयर हमने बनाया, और ये स्फीयर जो है ना, दिस स्फीयर इज, एक मिनट, ये स्फीयर के सेंटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, राइट. तो स्फीयर का सेंटर मान लो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लेते हैं किसी टाइम पर टी है, राइट. इनिशियली ये 200 था, इसको हमने 0 केल्विन पर फिक्स करके रखा. तो ये ऑब्जेक्ट को मैं ट्रीट करूंगा आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह, और ये बाहर का जो कंटेनर है उसे भी हमें ट्रीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इससे जो हीट का लॉस होगा dQ/dt, ये वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, ई तो 1 हो गया, इंटू टी टू द पावर 4 रहेगा. dQ/dt को मैं लिख सकता हूं -ms dT/dt, राइट. तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -3 इंटू dT इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट ही है ना, उसको मैं कुछ नया कॉन्स्टेंट k लिख देता हूं, k इंटू dT. t बराबर 0 पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी, 200. t बराबर टाइम टी पे टेम्परेचर भी कैपिटल T हो गया. तो t टू द पावर -4 का अगर हम यहां पर इंटीग्रेशन करें, तो t टू द पावर -3/3 होगा. माइनस साइन को मैं सीधा ही ट्रैप कर लेता हूं, तो ये 1/3 इंटू 1/t³ -1/200³ हो जाएगा, इज इक्वल टू kT. ठीक है, और यहां पर फाइनली हमें क्या करना है, यू कैन राइट kT₁, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 1/100³ -1/200³. ठीक है, और kT₂ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू 1/50³ -1/200³ का क्यूब,
ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कहता हूं इक्वेशन वन, इसको कहता हूं इक्वेशन टू, तो वन बाय टू या टू बाय वन, टू बाय वन करते हैं, टू बाय वन करेंगे तो टी टू बाय टी वन हमें सीधा मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय फिफ्टी क्यूब माइनस वन बाय टू हंड्रेड क्यूब। अब बोलोगे सर इतने भारी भरकम से अब क्यूब व्यूब कौन करेगा, यहां पे क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करो ना, 200 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 200 का क्यूब और नीचे भी 200 का क्यूब, बढ़िया। तो देखोगे ये बन जाएगा 4 क्यूब माइनस 1 बाय 2 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1 हो गया 63, 2 क्यूब माइनस 1 हो गया 7, सो द आंसर फॉर दिस केस इज 9, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर हमने इसको ठीक से सॉल्व किया होता तो। ओके, तो यहीं पे डिस्कशन खत्म होता है, एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन ऑफ पेपर वन। पेपर टू का डिस्कशन मैं आज ही करूंगा, और जो वीडियो बनानी है वो मैं आज बना के थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, वो भी प्रोबेबली दो पार्ट्स में आएगा। तो आई रियली एंजॉयड सॉल्विंग दिस पेपर, एंड जो मेरा पूरा एनालिसिस है इस पेपर का वो ये रहेगा कि ये पेपर मॉडरेट लेवल का था, इजी और मॉडरेट के बीच में कहीं रख सकते हो इसको, जे एडवांस के स्टैंडर्ड से, और पिछले साल का जैसा पेपर था उसके हिसाब से तो जरूर ये इजी पेपर की कैटेगरी में आएगा। काफी सारे क्वेश्चंस थे जो करने लायक थे, और इसमें बस अगर सेलेक्टिवली हम कर लें, आसान आसान क्वेश्चन चुन के भी कर ले, तो 19 में से 11-12 क्वेश्चन तो तुम आराम से इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल के कर सकते थे, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे करके मतलब हम लोग टाइम निकाल के सॉल्व कर सकते थे। एक आधा क्वेश्चन अगर थोड़ा लेंदी लग रहा हो, एग्जाम के टाइम में हिट नहीं कर रहा हो, तो छोड़ सकते थे, लेकिन ओवरऑल इस पेपर को मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकता, मॉडरेट में भी दिल पे पत्थर रख के डालूंगा, ठीक है। सो यही मेरी एनालिसिस थी, और इस पे ज्यादा बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड मैं बहुत जल्दी पेपर टू की एनालिसिस पोस्ट करता हूं, ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।